अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज की आवाज़ और मैं हूं सैयद असजद। क्योंकि नाज़रीन आज सुबह से लेकर जो है एक चीज़ सामने आई थी कि जो सर्कुलर कल जारी हुआ था उसमें जो है इबादत गाहों को लेकर यानी किसी भी मज़हब के हो इबादत गाहों को जो है कंप्लीट बंद करने की बात हुई। इसमें जो है माइनॉरिटी लीडर्स और हमारे उलमा इकराम जो है जदोजहद लगातार सुबह से कर रहे थे। तो इस वक्त हमारे साथ जामिया मस्जिद सिटी मार्केट जामिया मस्जिद इमाम खतीब मकसूद इमरान साहब मौजूद हैं, तो उनसे कुछ तफसीलात हम जानना चाहेंगे। मौलाना, सबसे पहले तो मैं आपकी हिम्मत और आपकी जो कोशिश हैं उसे जो मरहबा कहूँगा। नतीज चाहे कुछ भी हो लेकिन जो आपकी जो कोशिशें हैं उसे सराहना और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आपने हुकूमत से एक रियायत तलब की थी, क्या नतीज निकले हैं और क्या पैगाम हैं आवाम के लिए? जब से ये सर्कुलर जारी हुआ था उसके बाद से मुसलसल लोगों के फ़ोन आना शुरू हुए, जिसकी वजह से मैं हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम से इस सिलसिले में मशवरा फरमाया। फिर उसके बाद शहर के मुख्तलिफ़ तंजीमों के सुदूर और मुख्तलिफ़ तंजीमों के ज़िम्मेदार अहबाब से इस सिलसिले में तबादले ख्याल किया, और साथ ही साथ हमारे इस शहर के और हमारी रियासत के सियासी क़ायदीन से भी मशवरा तलब किया। आखिरकार ये तय पाया कि आज सुबह दारुलूम सबीलुर रशाद में एक मीटिंग तलब किया जाए, फिर इस सिलसिले में सारे तफसीलात मालूम किए जाएं। बाद में हम कुछ एक नतीजे पे पहुँचे। अल्लाह का शुक्र हुआ कि सारी तंजीमों के ज़िम्मेदार सुबह 11:30 बजे दारुलूम सबीलुर रशाद पहुँचे और सारे उमूर पर तबादले ख्याल किए। आखिरकार ये तय पाया कि हम अशोक साहब से भी बात करें, और साथ ही साथ इसलिए कि ये सर्कुलर ख़ास तौर पर हमारे इस रियासत के चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से जारी हुआ था, उनसे मुलाकात करके हम सारे हालात को सामने रखें। चूँकि आपने शायद सर्कुलर में देखा होगा कि यहाँ सिर्फ तमाम मजहबी मकामात को बंद कर देने की बात लिखी गई है और पूरा बाज़ार खुला रहेगा, तो हज़रत उलमा ने ही सोचा कि भी बाज़ार खुला रखा गया हो और सिर्फ मस्जिदें और मंदिरें और चर्च बंद हो, ये मुनासिब नहीं मालूम होता। अगर लॉकडाउन है तो ऐसी सूरत में लोग अपनी अपनी इबादतें अपने घरों पे अदा कर लेंगे, अगर लॉकडाउन नहीं है, जुज़वी लॉकडाउन है, तो ऐसी सूरत में लॉकडाउन के अहकामात जारी करना मुनासिब मालूम नहीं होता। इसलिए हम अशोक साहब से भी गुफ्तगू की और चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात करके उनके सामने सारी तफसीलात रखी, तो उन्होंने मशवरा करके एक फ़ैसला लेने का हमारे से ज़िक्र किया था। बाद में उन्होंने कहा कि इसलिए कि आजकल शहर के अंदर बहुत ज़्यादा मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बेड मिलना मुश्किल हो गया है, और जो इंजेक्शन्स हैं वो इंजेक्शन्स भी नहीं मिल रहे हैं, ब्लॉक में बिक रहे हैं, और ऐसे में जो बेड हैं या हॉस्पिटल्स हैं इसकी सारी सहूलियात इस वक्त मुहैया करना मुमकिन नहीं है। इस वजह से इस पर काबू पाने के लिए इन दिनों में तमाम मसाजिद को इबादत गाहों को अगर बंद कर दिया जाए तो उन चीज़ों पे हम काबू पा सकते हैं, यह इनका सोचना था। तो इस वजह से हज़रत उलमा ने फिर मगरिब के बाद फ़ोन के अंदर कॉन्फ्रेंस कॉल में मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए, तो इसलिए मुत्तफ़िका यह तय पाया कि चूँकि अब हमारा हक इतना ही है कि एक आदमी अगर जेल में बंद हो, अगर जुमे की नमाज़ का वक्त हो, तो वो तैयार होगा, दरवाज़े तक आएगा और कोशिश करेगा कि अगर अल्लाह ने मुझे मौका दे तो मैं बाहर जाकर जुमे की नमाज़ अदा करूँगा, अगर नहीं है तो बस यहीं ज़ुहर की नमाज़ अदा कर लूँगा। तो इसी तरह हमने भी पूरी कोशिश की, हज़रत उलमा ने और मुस्लिम सियासी क़ायदीन ख़ास तौर पर बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब भी और नसीर अहमद साहब भी और बी के अल्ताफ़ साहब, ये सब अहबाब साथ में रहे, और दूसरे भी सियासी क़ायदीन बराबर हमारे साथ नसीर साहब, नासिर हुसैन जो MP हैं वो भी, और तनवीर सेठ साहब जो मैसूर के हैं वो भी बाहर से हमारा सपोर्ट करते रहे और हमारा साथ देते रहे। हमने जो कोशिश करनी थी की, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर है वही होगा। तो इस वजह से अब ये फैसला मुकम्मल तौर पे साफ हो गया है कि आइंदा यानी कल से तमाम मुसलमान अपनी अपनी तमाम इबादतें अपने अपने घरों में अदा कर लें, जैसा कि लॉकडाउन में गुज़िश्ता साल आपने किया था, और जुमे का दिन भी है तो जुमा भी घरों के अंदर भी पढ़ लेंगे, और उसके बारे में भी इंशाअल्लाह सारे तफसीलात इमारत शरिया के तरफ से जारी होंगे। मैं मुसलमानों से गुजारिश करना चाहूँगा
कि देखिए जितना हमारे बस में है हमने किया है, हमारा रब इंशाल्लाह हमारी दुआओं को सुनेंगे, हमारी पुकार को सुनेंगे, हमारी तड़प को सुनेंगे। आप दुआओं में भी लगें, इबादतों में भी लगें, नमाज में भी लगें, किसी तरह की इबादत में कमी ना हो, खलल वाक़े ना हो, आप पूरी यकसोई के साथ इबादत करें। ये हम आपसे गुजारिश भी करेंगे और दरख्वास्त भी करेंगे मौलाना, क्योंकि एक हमारे नाज़रीन की तरफ से एक सवाल भी है। पूरी कोशिशों के बाद जो है बाजमात पढ़ने का जो है हमारे बरादरान वतन या बरादरान स्टेट कहें या इस शहर के लोगों को कहें, बाजमात नमाज पढ़ने का जो मौका नहीं मिल रहा है, तो क्या अल्लाह ताला के ख़जाने इतने वसी नहीं हैं कि अल्लाह ताला जो है, क्योंकि उनके पास असबाब और हालात नहीं हैं, तो अल्लाह ताला जो है उन्हें और सवाबों से नवाजेगा अगर घर में भी वो इबादतें करें? जी हाँ, घरों के अंदर भी जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ज़रूर अजर अता फरमाएँगे। हाँ, मस्जिदों में पहुँच कर नमाज पढ़ने में जो लुत्फ़ है, जो सवाब है, वो बिल्कुल अलग है। हम इसे मानते हैं, इसी वजह से मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने में बहुत बहुत ज़्यादा सवाब है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो लोग जो घरों में नमाज़ पढ़ लेते ही मस्जिद को छोड़कर, तो उनके घरों को जलाने का हुक्म तक दे दिया था। अगर वो सहूलत हो तो वो हुक्म है, अगर सहूलत नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ अहकाम जारी हुए हैं, तो इस वजह से अगर घरों में भी जमात के साथ नमाज अदा कर लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल जलाल मुकम्मल सवाब अता फरमाएंगे। आप इत्मीनान के साथ अपने घरों में पूरी इबादत करें, तिलावत भी करें, रोज़े भी पाबंदी से रखें और तरावी का भी अहतमाम करें और रात में उठ कर तहज्जुद भी पढ़ें, दुआओं का भी अहतमाम फरमाएँ। जज़ाकल्लाहु खैर। तो नाज़रीन, क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद जो है जो नताइज सामने आए हैं कि इस वक्त जो है शहर बेंगलोर हो या रियासत कर्नाटक कहें, क्योंकि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस आई हैं उसको जो है तबादले ख्याल की जो है पूरी मुमकिन कोशिश की गई थी, लेकिन अल्लाह ताला को जो मंजूर होता है वही होता है, तो इसके आगे जो है कुछ कर नहीं सकते। तो बहरहाल इस वक्त जो है हालात ये हैं कि साजगार हालात नहीं है माहौल में, इसलिए जो है तमाम इबादतें जो है अपने घरों में की जाएंगी चार मई तक। इसके बाद इंशाल्लाह ताला अगर हालात साजगार हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर दोबारा जो है हसब मामूल मस्जिदों में वो रौनक लौट आएगी।